Now student, today we start chapter test. In last video, we see the questions 1. Now today we start from question 2. Now listen, answer 2 for T and false for F. If false, write the correct statement. अगर दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है मीन्स फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर 8,07,32 इज 8,700,032. यहाँ पे कामा दिया है 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद और 3 डिजिट्स के बाद, तो ये कामा के सिस्टम हो गए, इंटरनेशनल सिस्टम हो गए. तो ये स्टेटमेंट आपका है फॉल्स लिखा मैंने. तो इसके जगह करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, इसके जगह आपका करेक्ट आंसर आएगा 8,700,032. ये आपका करेक्ट आंसर आएगा. देन क्वेश्चन 2, ये पूरा लिखना है आपको, उसके बाद इसके जगह ये लिखना है. ओके, देन सक्सेसर ऑफ 5,999 इज 600, दैट इज ट्रू. ये सेंटेंस आपका ट्रू है. ओके, देन एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 2,728 इज 20 × 300 इक्वल टू 60,000. 24 का राउंडेड ऑफ 20 आता है, 2,700 का 300 आता है, राउंडेड नियरेस्ट टू 1,000. तो इसका आंसर दोनों का ये आता है बराबर, दैट इज इक्वल टू 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60,000 आता है. देन नाउ रोमर 40 इस तरह से लिखते हैं क्या, नो दैट इज अ फॉल्स. फिर ये 40 किस तरीके से लिखते हैं, इसके जगह आएगा आपका एक्स एल. ओके, देन क्वेश्चन नंबर ई, द न्यूमरल्स 5,980,730,07 व्हेन रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेपरेटिंग बाय पीरियड इंटरनेशनल सिस्टम में दिया है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में कामा देते वक्त 3 डिजिट्स आते, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, दैट इज रॉन्ग. तो यह हो गया फॉल्स. इसका एक्चुअल आंसर आएगा 5,980,709. अभी मैं कमा दे रहा हूँ 1, 2, 3 कमा गया, 1, 2, 3 ऐसे आएगा, मीन्स 59,807,309. ओके, नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्टली वी रीड, अ पर्सन हैड रुपीज 9,287,090 विथ हिम. यही मैंने यहाँ पे नंबर्स में लिखा है. ओके, नाउ सी पर्सन हैड, वो जो यहाँ पे स्पेलिंग दिया उसका नंबर बने यहाँ पे, ठीक है, 9,287,090. ही परचेज अ फ्लैट, ओके, फॉर रुपीज, ही परचेज अ फ्लैट फॉर रुपीज 58,62,540. मैंने ये नंबर में यहाँ पे लिखा है. ओके, देन कार लिखा है 3,86,750 लिखा है मैंने. नाउ फर्नीचर फॉर रुपीज 2,96,280 ओके लिखा है. एंड ही
deposit the remaining amount in a fixed deposit in a bank. बाकी का बचा हुआ रुपीज उसने बैंक में डिपॉजिट किया, इतना उसने स्पेंड किया फॉर द परचेस ऑफ फ्लैट कार एंड फर्नीचर. फर्स्टली वी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कितना मनी उसने स्पेंड किया. ओके वी ऐड नाउ सॉल जीरो कितना आएगा, 9 और 8 7 कैरी 1, 15 कैरी 1, देन कामा देना इधर 15 कैरी 1 आएगा, 18 19 15 हो गया कैरी 1 आया, 9 और 8 17 18 19 20 24 का 4 कैरी 2, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6. देन आंसर विल बी 65,45,570. तो इतना पैसा उसके पास था, इतना उसने स्पेंड किया. तो डिपॉजिट किया उसने बैंक में, फर्स्टली राइट दैट वैल्यू, ये इंटरनेशनल में, अभी इसको इंडियन सिस्टम में हम लिखेंगे 9 2 8 7 0 9 0. ओके देन राइट दिस वैल्यू फ्रॉम राइट 0 7 5 5 4 5 6 इतना स्पेंड किया, दैट मीन्स वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, देन वी आंसर विल बी 0 से 0 9 से 7 गया 2 हियर 10 हियर 6 5 1 8 से 4 गए 4 2 से 5 नहीं गया दैट मीन्स 12 8 12 से 5 7 और दिस इज 2 दैट इज योर आंसर 27,41,520. ओके ये हो गई आपकी बैंक की डिपॉजिट. आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चंस 4. Firstly, we read the Atlantic Ocean is about 40 times larger than the world's largest island, Greenland. Atlantic Ocean 40 times larger है किससे, Greenland से. The area of Atlantic Ocean ये area दिया गया है. Then estimate the area of Greenland. Firstly, we find the area of Greenland. Okay. Now see, यहाँ पे मैंने लिखा है द एटलांटिक ओशन इज अबाउट 40 टाइम्स लार्जर देन द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड. 40 टाइम्स लार्जर है. ओके उसके बाद एरिया ऑफ एटलांटिक ओशन यहाँ पे दिया गया है. ओके देन एरिया ऑफ ग्रीनलैंड निकालते हैं तो 40 टाइम्स बड़ा है तो हमें ये ग्रीनलैंड लिखाना है. दैट मीन्स वी डिवाइड दिस नंबर टू 40. ओके हमने यहाँ पे लिखा है 7,67,61,000 डिवाइड बाय 40. इसका प्रॉपर मेथड से डिवीजन करने के बाद आपको आंसर मिलता है 19,19,025. उसके बाद हम आंसर का इधर इस्टीमेट करेंगे, मीन्स राउंडेड नंबर निकालेंगे इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका, मीन्स राउंडेड नियरेस्ट टू 10 लाख. तो उसका आंसर आएगा आपका 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ओके दैट इज योर आंसर.